तस्वीर जिवें समय ने सिरजी एडी सोहनी तस्वीर दस किवें तैनू आख सुनावा आ जा मेरा पिंड वेख लै पंजाब केड़े रंगी वसदा वेखावा आ जा मेरा पिंड वेख लै आ जा मेरा पंजाब दी रूह वसदी है पिंडां दे विच और इस रूह नूं रूह मन करदा है साडा प्रोग्राम आ जा मेरा पिंड वेख लै। पंजाब दे पिंड पंजाब दा दिल ने और इस दिल दी धड़कन नूं महसूस करदा है साडा प्रोग्राम आ जा मेरा पिंड वेख लै। अज पंजाब एक नहीं बल्कि तीन ने, एक वो पंजाब जो लहिंदा पंजाब है जो पाकिस्तान दा पंजाब है, एक वो पंजाब जो चढ़दा पंजाब है जो भारत दा पंजाब है और इन्हां तों इलावा एक वो पंजाब जो पंजाब वसदा है विदेशों के। साडा प्रोग्राम देशों विदेशों के वसदे घर के दहलीजा तक लैके जाते पंजाब के पिंडों को। यह प्रोग्राम है आ जा मेरा पिंड वेख लै। अपने प्रोग्राम के सफर के अज असी पहुँच चुके हैं लुधियाना के पिंड, वो पिंड जो उद्यमी पंजाबियों के पिंड है, लोक गायकों का पिंड है, लेखकों का पिंड है। इस तों इलावा यह वो पिंड है जिथे लोगों के छोटे छोटे बोलों के प्यार आ मुहारे डुल डुल पैंदा है। जी हाँ, यह है जिला लुधियाना का पिंड बोपाराए बोपाराए कलां। पिंड बोपाराए कलां लुधियाना तो रायकोट वाली सड़क से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर वसया है और लुधियाने तो 20 या 25 किलोमीटर दूर है। ये पिंड बारे कहा जाता है कि इस पिंड नूं चौधरी दुल्ला नूं महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सदी के दिता सी और 13 पिंडां की जागीर एक पिंड ये क्योंकि इत्थे वसण वाले लोग ज़्यादा करके बोपाराए जाति के सन, इस करके इसका नामकरण जिहड़ा वो बोपाराए पै गया। अज ये पिंड लगभग 5000 की आबादी वाला पिंड है और 88 नंबर हद बस के तहत इस दे कोल 1007 हेक्टेयर के लगभग जमीन है जिहड़ी पूरी तरह के नाल खेती दे योग है। इस पिंड दे विच जदों असी घूम के देखिया जां असी बाहरों देखिया तो यह वाकई यह पिंड एक विकसित पिंड सी। इस पिंड दे विच ओह सारियां सहूलतां ने जिहड़ियां एक विकसित पिंड नूं चाहीदियां ने। ये पिंड दे विच दो तरह के नाल विकास होया, एक विकास वो है जिहड़ा सरकार के द्वारा किया गया जिस के तहत